नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस नंबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग की घटना के बाद भी असामाजिक तत्व बाज नहीं आ रहे। शुक्रवार को कुछ ऐसा ही हुआ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से की बुक की गई एक कैब जब गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचने से हड़कंप मच गया। अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने फौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए फौरन पहुंची और कैब ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। बुकिंग की जानकारी निकाली तो पता चला कि कैब को यूपी के गाजियाबाद से बुक किया गया था। मुंबई पुलिस ने युवक को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। युवक का नाम रोहित त्यागी है और वो गाजियाबाद के गोविंदपुरम में रहता है। पुलिस ने बताया कि बुधवार को त्यागी ने कथित तौर पर सलमान खान के आवास गैलेक्सी अपार्टमेंट से बांद्रा पुलिस थाना तक की यात्रा के लिए कैब ऑनलाइन बुक की। जब कैब चालक उस पते पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह एक फ्रैंक था और उसने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। दरअसल आरोपी युवक ने ऐप के जरिए अभिनेता सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बांद्रा पुलिस स्टेशन तक जाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ओला कैब बुक की थी। जब ओला ड्राइवर कार लेकर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचा तो वहां के वॉचमैन को बुकिंग के बारे में पूछा तो वॉचमैन सकते में आ गया और उसने फौरन इसकी जानकारी बांद्रा पुलिस को दी। पुलिस ने भी ये बात जानकर हैरान हो गई, लिहाजा पुलिस की टीम फौरन गैलेक्सी पहुंची और मुंबई की बांद्रा पुलिस ने ओला कैब के ड्राइवर से पूछताछ की। फिर उसने ऑनलाइन बुकिंग करवाने वाले शख्स की जानकारी ली गई तो पता चला कि ओला कैब बुक करने वाला शख्स मुंबई का नहीं बल्कि एक यूपी के गाजियाबाद जिले का निकला, जिसकी शिनाख्त 20 साल के रोहित त्यागी के तौर पर हुई। उसकी उम्र 20 साल है और वो पढ़ाई करता है। पुलिस ने उसे गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने सिर्फ मौज मस्ती के लिए हरकत की थी, लेकिन ये मजाक उसको भारी पड़ गया। अब पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। बांद्रा पुलिस ने आरोपी रोहित त्यागी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गाजियाबाद से गिरफ्तार किया और उसे मुंबई लाया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जहां अदालत ने उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर बांद्रा थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। बीते 14 अप्रैल को भी बाइक सवार 2 शूटर्स ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। आरोपियों ने लगातार 5 राउंड फायरिंग की थी और फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों शूटर्स को गुजरात से गिरफ्तार किया था। इनकी पहचान बिहार के विक्की गुप्ता और सागर पाल के रूप में हुई थी। इन्हें 25 अप्रैल तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया गया। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस न्यू भारत।